Hello everyone. Good evening, everybody. Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here, and welcome to the test book. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बात confirmation देंगे. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बात confirmation दो यार. Is audibility absolutely fine to each and everyone? इंडिया के बेस्ट AJE इलेक्ट्रिकल सेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है. इंडिया का बेस्ट AJE इलेक्ट्रिकल सेशन आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों के प्यार ने बनाया है. आज इंडिया का हर एक वो बच्चा जो AE और JE एग्जाम की तैयारी करता है वो मेरे इन सेशनों को जरूर देखता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पिछले पौने दो साल के अंदर अंदर आपके और हमारे मिलके प्यार ने हर एक एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हुए मोर देन 80% क्वेश्चन आपको मेरे इन्हीं सेशन से एज इट इज देखने को मिलते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अगर हम उन एग्जाम्स की बात करें तो DFCCIL, DSSSB, RVUNL, RSMSSB, UPPCL, UPRUNL, NHPCI, Steel Authority of India Limited, OCT, Bokaro, या अगर हम बात करें SSCJE और मध्य प्रदेश सब इंजीनियर, इन सभी एग्जाम में आपको मेरे इन्हीं सेशन से एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिले हैं. और इस बार जिन एग्जाम्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं उसमें पहला एग्जाम है DRDO का STA-A टेक्नीशियन के बच्चों के लिए, और STA-B का CBT-2 डिप्लोमा के बच्चों के लिए. दूसरा एग्जाम हम टारगेट कर रहे हैं मध्य प्रदेश का ITI ट्रेनिंग ऑफिसर. तीसरा एग्जाम हम लोग टारगेट कर रहे हैं वेस्ट बंगाल PSC-JEE. चौथा एग्जाम हम लोग टारगेट कर रहे हैं यूपी मेट्रो. फिफ्थ एग्जाम हम लोग टारगेट कर रहे हैं महाजैन को AE&JEE एग्जामिनेशन. गाइस, ये सारे एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, ये ऐसे एग्जाम है जिनके नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुके हैं, फॉर्म फिलअप ऑटोमेटिक ऑलरेडी हो चुके हैं, एग्जाम भी हमारे पास में आने वाले हैं. इन एग्जाम्स की हम लोग तैयारी कर रहे हैं. और एक बात और बोलता हूँ, ये मेरी क्लासेस सिर्फ इन्हीं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आने वाले इंडिया में जितने भी JEE के एग्जाम होंगे सभी में आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी. बस आपका एक ही फर्ज बनता है कि डेली 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आप लोगों को यहाँ पर रहना ही रहना है. और यकीन मानो हम लोग एकदम मचा देंगे, एक गजब अंदाज में मचाएंगे, एक गजब तरीके से मचाने वाले हैं. क्लैरिटी है क्या? यस सर. अब सबसे पहला फर्ज बनता है आपका, सबसे पहले तो सेशन को एकदम तेजी से शेयर कर दो, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर. अगर आप तो मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, अच्छा कुछ बच्चे मैंने देखा टेलीग्राम में PDF के लिए परेशान हो रहे हैं. अरे बेटा PDF के लिए मत परेशान हो, तुम्हारे एग्जाम के पहले तुम्हारे पास PDF का रिवीजन से लेकर सब कुछ तुम्हारे पहुंच जाएगा, मत लोड लो इतना. ठीक है, तुम्हारा जो मेन काम है वो पहले करो. इसके बाद अगर हम बात करें तो गाइस, ये सब बच्चे भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, राइट. अगर मैं वीडियो की बात करूं तो यहाँ पे 21 स्टूडेंट्स अभी वाचिंग नाउ है, लाइक 14 ही है. तो सबसे पहले तो यार लाइक कर दो यार. दूसरी बात, एक बात और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में आओगे तो जो भी बच्चे बेटा ऐसे हैं जो वाकई में मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर या DRDO की तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए आज सुनहरा अवसर है. आप बोलोगे ऐसा कैसे सुनहरा अवसर है, मैं आपको बताता हूँ. गाइस, आप लोगों को इंडिया का बेस्ट बैच यानी कि इंडिया का बेस्ट कंटेंट मटेरियल का प्राइस आज इतना कम कर दिया गया है कि आपका दिल अंदर से एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा. तो अगर आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आते हो, ठीक है, तो जो भी बच्चे DRDO वाले बच्चे हैं और जो बच्चे बेटा MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर वाले बच्चे हैं, वो एक बार इस लिंक पे जरूर क्लिक करिएगा. ये मैं उन्हीं बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो चाहते हैं एग्जाम क्लियर करना. अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं एग्जाम तो ऐसे ही क्लियर हो जाता है, तो आप बिल्कुल भी लिंक पर क्लिक ना करके अपना 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट ना करिएगा. ये देखिए गाइस, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है. अगर आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो देख लो यहाँ पर आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है. अगर आप इलेक्ट्रिकल के बच्चे हो तो आप लोगों को बेटा यहाँ पर आप लोगों को एक तो ये मेरा बैच मिलता है, तो DRDO के पेपर में एक तो मेरा इस बैच का कंटेंट पढ़ के जाइएगा, और मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर में ये बैच का कंटेंट पढ़ के जाइएगा. अगर आपको ये बैच का पसंद ना आए तो ये वाले बैच का पढ़ के जाइएगा. ये दो बैच जो है हमने ट्रेड थ्योरी के इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, ये ट्रेड थ्योरी पढ़ के जाना बहुत जरूरी है. ठीक है, मेरी क्लास यूट्यूब वाली तो एज इट इज देखनी है. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के बच्चे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बोलूंगा आप लोगों को कि आप ये दोनों बैच पढ़ के जाइएगा. कोई बच्चा भी महाजैन को के लिए पूछ रहा था टेक्नीशियन की तैयारी कहां से करूं, अगर टेक्नीशियन की तैयारी करना है तो ये DRDO वाला सब्सक्रिप्शन ले लेना. इसमें टेक्नीशियन का बैच ये वाला भी अवेलेबल है और ये वाला भी बैच अवेलेबल है ITI के बच्चों के लिए. ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बेटा तो आप लोगों का नॉन टेक्निकल पूरा कंप्लीट करवाया गया है इस बैच के अंदर. ऋतुराज अवस्थी सर का बैच है, इसके अंदर पूरा आपका नॉन टेक्निकल कवर अप करवाया गया है. इसके बाद की अगर हम बात करें तो और आपको क्या मिलता है बेटा, इंडिया के और अलग अलग इंस्टीट्यूट जैसे कि निम्बस लर्निंग हो गया, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल, सॉलिट्यूड इंस्टीट्यूट, ये सारे इंस्टीट्यूट का कंटेंट भी अब आपको यहीं पर टेस्ट बुक सुपर कोचिंग पर मिलता है. इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को रेगुलर डाउट क्लासेस आपकी मिलती है, रेगुलर मैकेनिकल के डाउट क्लासेस, रेगुलर इलेक्ट्रिकल की डाउट क्लासेस, रेगुलर PYQ सेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया का वो हर एक बच्चा जो एग्जाम देने जा रहा है वो इन सारी टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड है. इसका मतलब आपका कंपटीशन आपके
कॉम्पिटिटर से मेन एग्जाम के पहले टेस्ट सीरीज में हो जाता है, क्योंकि टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज में आप लोग देखोगे लाखों बच्चे एनरोल्ड है अलग अलग ब्रांचेस के अंदर, और यही बच्चे आपके साथ एग्जाम देंगे। क्यों? जाहिर सी बात है इन बच्चों ने इसमें एनरोलमेंट ही इसलिए लिया ताकि एग्जाम देंगे, हर कोई तो इसमें एनरोलमेंट नहीं लेगा, सीधी सी बात है। तो ये टेस्ट सीरीज बेटा आप लोगों को यहाँ पे मिलती है इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर। और अब आती है वो बात जिसको देखते से आपका मन खत्म हो जाएगा, 6 months का सब्सक्रिप्शन DRDO एंड मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का पहली बार सिर्फ 998 रुपीस का हुआ है। कल तक ये 2000 रुपीस का था, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने इसको 2000 रुपीस के अंदर लिया होगा, बट आज इसकी प्राइस को इतना कम कर दिया गया है कि ये सिर्फ 998 रुपीस का है, ओनली 998। अगर अभी भी किसी को ज्यादा लगता है तो एक काम करना, एक कूपन कोड बताता हूं उसको अप्लाई कर देना तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब जितना हो सकता है उतना डिस्काउंट मिल जाएगा। और जैसे आप लोग कूपन कोड अप्लाई करोगे, जैसे आप लोग बेटा यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करोगे MOHITK, ये टेस्ट बुक का एकमात्र यूनिवर्सल कूपन कोड है, ये टेस्ट बुक का एकमात्र यूनिवर्सल कूपन कोड है, एक ऐसा कूपन कोड जिसको जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देता है, सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कोड है, बिकॉज SSC बैंकिंग डिफेंस UPSC इंश्योरेंस पुलिस टीचिंग ट्रेनिंग गेट ASCA JEE सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सब जगह एप्लीकेबल होता है। और जैसे मोहित के अप्लाई करोगे तुरंत यहाँ पे देखो अप्लाई करने जा रहा हूँ मैं, जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करने जाऊंगा MOHITK परचेस करने के पहले भूलना मत, जैसे अप्लाई करोगे इसकी प्राइस 998 से वापस से 929 हो जाएगी। और मुझे लगता है बेटा 929 6 महीने के लिए, अगर पर डे कॉस्ट देखोगे ना, अगर इसकी पर डे कॉस्ट देखोगे तो आप लोग देख सकते हो 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर भाई साहब टोटल 180 दिन होते हैं, ठीक है, और 929 डिवाइडेड बाय 180 करते हो तो आप लोगों को पता चलेगा पर डे की कॉस्ट कितनी निकल के आती है, एक चॉकलेट के बराबर भी नहीं आती है। समझ में आ रही बात है ना, आ रही है नहीं आ रही है? हाँ सर ये बात समझ में आ रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि भाई आपका प्राइस और कम कर दिया जाए टेक्नीशियन वाले बैचेस के लिए, तो फाइनली वी हैव डिसाइडेड, और हमने इसको पहले 6 months 3 months के अंदर 2000 के ऊपर था, अब ये 6 months के लिए मात्र 900 रुपीस का है। तो जितने भी बच्चे मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर देने जाने वाले हो आज ही इसको लो, 10 दिन बचे तुम्हारे पेपर के अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर पूरा टेक्नीशियन का बैच खत्म करो, पूरा का पूरा ट्रेड थ्योरी वाला बैच खत्म करो, रेगुलर क्लास देखो, इसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आज ही ये कर लेना। अगर आज के बाद लेट करोगे ये फिर ऊपर हो जाएगा 2000 रुपीज और फिर कोई सेंस नहीं निकलेगा, इसलिए बोलो बेस्ट है गो फॉर इट एंड डू इट, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर कोई बच्चा दूसरे एग्जाम की तैयारी में है, मतलब उसको कोई मतलब नहीं है DRDO से, उसको कोई मतलब नहीं मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर से, एक बच्चा बोलता है सर मैं तो वेस्ट बंगाल PSC की तैयारी कर रहा हूँ, एक बच्चा बोलता है मैं तो महाजन को या UP मेट्रो की कर रहा हूँ, तो आप लोग बेटा इस DRDO वाली लिंक पर मत क्लिक करिएगा, आप लोगों के लिए हमने दूसरी चीज बनाई हुई है और वो है AEJEE इलेक्ट्रिकल, तो आपको AEJEE इलेक्ट्रिकल पे क्लिक करना है। सेम AEJEE इलेक्ट्रिकल का भी प्रोसीजर है और AEJEE इलेक्ट्रिकल का थोड़ा सा प्राइस ज्यादा होता है, क्योंकि इंडिया का सबसे बेस्ट बैच आपको यहाँ पे मिलता है जिसमें से लाखों बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है, तो इंडिया का सबसे बेस्ट बैच आप लोगों को यहाँ पे मिलता है, ये वो बैच रहा गाइस जहाँ से लाखों बच्चों ने पढ़ाई करी और लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, ये रहा वो मेरा JEE का बैच, ये रहा वो मेरा AEEE का बैच। इसके अलावा गाइस आप सभी बच्चों को पता है बहुत अच्छी तरीके से कि राइट नाउ RRB आने के चांसेस हैं, आप लोगों की होप है, हमारी भी होप है, तो अगर RRB आने के चांसेस है तो बेटा RRB के लिए टेस्ट बुक आपसे कोई कॉस्ट नहीं रखता और आपके इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर RRB का मेरा ही वाला बैच आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके अलावा आपको सोचना ही नहीं है, बस आपको ये मिल गया मतलब समझ लो RRB हो गया भाई, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा ना, ये आपको मिल गया। नॉन टेक्निकल के लिए आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, नॉन टेक्निकल का आपको बैच यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया AEJEE नॉन टेक्निकल का, ठीक है, बेस्ट बैच है, गो फॉर इट। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर इंडिया के और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बैचेस भी अवेलेबल हैं जिनके आपने पहले नाम सुने हैं, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे जब आपको इतनी सारी चीजें मिलती हैं तो मुझे नहीं लगता है कि एक स्टूडेंट के लिए इससे बेहतर कुछ हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें रेगुलर डाउट क्लासेस, रेगुलर PYQ डिस्कशन, वो भी टॉपिक वाइज आपका होता है, हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, RRB JEE, SSC JEE, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर, महाट्रांसको, महाजनको, BHEL, DSSSB, NBCC, BSF, NTPC, पुणे मेट्रो, RPSC, गुजरात विद्युत सहायक, सब एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है और जो अपकमिंग एग्जाम्स है उनकी भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे इंक्लूडेड हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें इसका जो प्राइस है गाइस वो 6 months के लिए 4000 है और 12 months के लिए 5000 है। अगर आप RRB को भी प्लान आउट में लेके चल रहे हो तो मैं आपको ये बोलूंगा 12 months की तरफ जाए। अगर RRB का कुछ ऐसा न्यूज होता है कि अगले महीने नोटिफिकेशन आ जाता तो हम लोग आपके कभी भी पैसे वेस्ट नहीं करते, हम बोलते हैं आपको डायरेक्टली आप 4000 के लिए जाए, अदरवाइज आप 12000 के लिए जाए। इसके बाद भी गाइस इसके अंदर भी ये प्राइस और कम हो जाती है अगर आप लोग अगेन जो आपका मैंडेटरी वर्क है, मैंडेटरी मतलब ये तो आपको करना ही करना है,
मोहित के कूपन कोड लगाते हैं तो ये और ज्यादा डिस्काउंट हो जाएगा, और मोहित के जैसे ही लगा देते हो तो ये और डिस्काउंट हो जाता है। तो एक बार लगा के देखते हैं और आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो एक बार इसको भी लगा के देख लेते हैं, MOHITK। जैसे मोहित के भाई अप्लाई कर दिया मैंने, तुरंत ये प्राइस कम हो जाती है 12 मंथ्स के लिए 5394, 6 मंथ्स के लिए 4289। तो फटाफट आज जाओ भाई और एक मस्त तरीके से, है ना, मस्त तरीके से एंजॉय करना स्टार्ट कर दो अपने कंटेंट को। आई होप कि सभी बच्चे आ गए होंगे, 59 स्टूडेंट्स आर वाचिंग नाउ। एक बार तेजी से लाइक कर देना, वो एनर्जी बरकरार रखना। कितने बजे तक? 6 बजे तक, ठीक है। अब आप लोग के कुछ कमेंट पढ़ लेता हूं, अगर आप लोग कुछ बोल रहे हो तो। सर महा ट्रांसपोर्ट टेक्नीशियन के लिए क्या अगर स्टडी मटेरियल मिलेगा क्या? बेटा विशाल इतनी देर से यही तो बता रहा था, तू मुझे बता मैंने इतनी देर से क्या बताया, इतनी देर से मैंने क्या बताया बेटा बता, इतनी देर से जो तूने सुना उसे मैंने क्या बताया? डीआरडीओ एसटीबी रिजल्ट आउट, डीआरडीओ एसटीबी का रिजल्ट आ गया क्या? क्या बात कर रहे हो, मतलब मेरा प्रेडिक्शन सही निकला, मैंने सही बताया था कि रिजल्ट आने वाला है, है? चलो मेरे को मालूम कि भाई रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया। आज सुपर कोचिंग में इलेक्ट्रिक मशीन खत्म किया। राजदीप भाई एक बार अपना दिल से एक्सपीरियंस बताना तेरे को, सुपर कोचिंग में जो मैं सब्सक्रिप्शन बताया उसमें तुझे मेरे से मशीन पढ़ के कैसा लगा, एक बार दिल से बस बता देना, एक बार जो तेरे दिल में फीलिंग हो वो बता देना। अगर तूने मशीन मेरा पढ़ा हुआ हो तो तुझे कैसा लगा, क्या तुझे पूरी दुनिया दिख गई, हाँ या ना ये बता देना बस। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या होती है जल्दी बताएंगे, क्वांटिटी ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या होती है जल्दी से बताएंगे फटाफट। एक एक बच्चा बताएगा जल्दी से बताएंगे फटाफट, एक एक बच्चा बताएगा जल्दी। आधे बच्चे पीडीएफ के लिए परेशान हो रहे हैं, मालूम नहीं क्या करेंगे। अरे भैया पीडीएफ आ जाएगी यार, क्यों चिंता कर रहे हो, अगर एक रेगुलर रोज एक क्लास की नहीं आएगी तो 5 क्लास की इकट्ठी एक आ जाएगी, क्यों परेशान हो रहे हो यार? तुमको क्या लगता है मैं इस सब चीजों को ध्यान नहीं रखूंगा? हाँ मुझे पता है किस चीज की पीडीएफ भेजनी है और किस चीज की पीडीएफ नहीं भेजनी है, इन सब चीजों का तो ध्यान रखूंगा ना बेटा मैं, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? चलिए एक सेकंड गाइस, बस एक सेकंड रुक जाइए। चलो बहुत बढ़िया, तो काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं। चलिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब बेटा इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कितनी बिजली पैदा हो रही है। तो यार ये मोह तो नहीं होगा, कूलाम भी नहीं होगा, वोल्ट पर सेकंड भी नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड एम्पियर पर सेकंड। और एम्पियर पर सेकंड को बेटा अपन लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। एम्पियर पर सेकंड को अपन लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। एम्पियर पर सेकंड को अपन लोग क्या बोलते हैं मेरे लाल, करंट बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई है? हाँ सर ये बात क्लियर हो गई है सर। एक सेकंड गाइस, बस एक सेकंड और टाइम देना मुझे। चलिए तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिए होंगे, क्या वो सोचे होंगे कि एम्पियर पर सेकंड होगा, बट एम्पियर पर सेकंड इज नॉट द यूनिट ऑफ क्वांटिटी। बेटा याद रखना इलेक्ट्रिसिटी के क्वांटिटी की यूनिट कभी भी एम्पियर पर सेकंड नहीं पाई जाती है, हमेशा ध्यान रखना। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा है और करंट कभी भी क्वांटिटी में नहीं आता। अगर आपसे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा है तो बाय डिफॉल्ट यू शुड गो फॉर व्हाट, बाय डिफॉल्ट यू शुड गो फॉर व्हाट, कूलम्स। तो आपको कूलम्स की तरफ ही जाना है और किसी की तरफ आपको नहीं जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। What is the name of soldering method? इस तरीके से अगर आपको solder करना हो, इसका soldering method का नाम क्या है? इसको dip soldering बोलते हैं, इसको soldering iron बोलते हैं, इसको soldering gun बोलते हैं, या इसको soldering with flame बोलते हैं? जल्दी बताएंगे फटाफट सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। या इसको soldering flame बोला जाता है, जल्दी बताएंगे फटाफट सभी बच्चे इसका आंसर। जल्दी बताएंगे फटाफट सभी बच्चे इसका आंसर, फटाफट फास्ट।
एक एक बच्चा बताएगा भाई, एक एक बच्चा बताएगा। चलिए एक एक बच्चा बताएगा जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए तो बेटा इस तरीके की सोल्डरिंग को क्या बोलते हैं अपन लोग, इस तरीके की सोल्डरिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस तरीके की सोल्डरिंग को अपन क्या बोलते हैं, इस तरीके की सोल्डरिंग को सोल्डरिंग गन बोलते हैं। ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ये सोल्डरिंग गन है, क्लियर है। ये बाय डिफॉल्ट क्या बेटा, सोल्डरिंग गन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर आपको एक ईएमएफ फाइंड आउट करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जल्दी करेंगे। ठीक है, नहीं नहीं रॉबिन सर, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन, ये आपका सोल्डरिंग गन होता है जिसमें एक बड़ी सी मशीन रहती है। व्हाट फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। ईएमएफ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वोल्टेज ड्रॉप, ईएमएफ इक्वल टू पोटेंशियल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप, ईएमएफ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप डिवाइडेड बाय 2, ईएमएफ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस 2 इनटू वोल्टेज ड्रॉप। जल्दी बताएंगे फटाफट क्या होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना। तो बच्चा बच्चा जानता है बेटा, अगर मान लीजिए ये जनरेटर की बात कर लेता हूं, है ना, तो एक जनरेटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, रिएक्टेंस होता है, और क्या होता है जनरेटर का, ये ईएमएफ होता है, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, और यहाँ पे क्या होता है बेटा, ड्रॉप होता है, ड्रॉप, और ये क्या होता है आपका ईएमएफ होता है। तो आपका ईएमएफ किसके बराबर है, आपका ईएमएफ होता है ड्रॉप प्लस टर्मिनल वोल्टेज के बराबर। तो ईएमएफ इक्वल टू होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल। करंट रेटिंग फैक्टर क्या होता है फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल, व्हाट इज द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर, करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन केबल, एक क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन केबल का करंट रेटिंग फैक्टर कितना होता है, जल्दी बताएंगे और सेशन को तेजी से शेयर करते रहेंगे। ये सेशन तुमको पूरे, है ना, पूरे मार्केट में घुमाओगे तो नहीं मिलेगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूं। ये तरीके के क्वेश्चन, व्हाट इज द, जल्दी बताओ फटाफट क्या होना चाहिए इसका आंसर, एक एक बच्चा बताएगा भाई इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, करंट रेटिंग फैक्टर। तो बेटा करंट रेटिंग फैक्टर को सीआरएफ बोला जाता है, और सीआरएफ जो होता है क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन केबल का, वो 1.23 के आसपास होता है। कितना होता है, 1.23। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, रटे लेना, किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। करंट रेटिंग फैक्टर कितना होता है क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन केबल का, 1.23। नेक्स्ट, व्हाट इज दैट डिसएडवांटेज, एक डिसएडवांटेज क्या है, और वो भी किसका, सॉलिड कंडक्टर का, अगर उसको एक स्ट्रैंडेड कंडक्टर से कंपेयर करते हैं। अब आपको मन में आएगा स्ट्रैंडेड कंडक्टर क्या होता है, जैसे कि मान लो बेटा, है ना, मान लो ये एक हमारे पास कंडक्टर है, मान लो ये हमारे पास एक कंडक्टर है मोटा वाला, कितना मोटा है, ये पेन के बराबर मोटा है। इसके ऊपर चढ़ा दी इंसुलेशन की परत, इसके ऊपर आपने इंसुलेशन की परत चढ़ा के रखी, ये देखो इसके ऊपर आपने एक इंसुलेशन की परत चढ़ा के रखी हुई है, करी हुई है, हाँ, तो ये आपकी इंसुलेशन की परत है इसके ऊपर, ठीक है, और ये इसमें से देखो कंडक्टर में से बाहर निकला हुआ है, ये कंडक्टर निकला हुआ है, ठीक है। अब अगर मान लो इस पिंक वाले कंडक्टर की जगह पर मैं पतले 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 लच्छे जैसे कंडक्टर अगर यूज करने लगूं, तो लच्छे जैसे अगर मैं कंडक्टर यूज करने लगूं इस तरीके के, जो कि आप लोग अपने घर में भी देखते हो, सभी लोगों ने वायर को छीलने की कोशिश करी होगी, तो ये वायर ऐसा कुछ निकलता है अंदर से, ठीक है, तो ये लच्छे जैसा होता है अंदर अंदर से, तो इसको बोलते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर, जो लच्छे वाला होता है, और इसको बोलते हैं सॉलिड कंडक्टर। ये भी आपने देखा होगा, ये भी आपने देखा होगा। तो भाई स्ट्रैंडेड क्यों बनाते हैं, और सॉलिड का, आपका सॉलिड का डिसएडवांटेज क्या है स्ट्रैंडेड से, तो एक ही डिसएडवांटेज है क्या, अगर बेटा ये लच्छेदार वाला यानी कि स्ट्रैंडेड कंडक्टर बनाते हो आप इसकी जगह मोटे वाले कंडक्टर की जगह, तो ये वाले कंडक्टर को क्या कहीं से भी मोड़ सकते हो, ये कंडक्टर फ्लेक्सिबल होता है, और आप भी जानते हो कि आपके सिस्टम में जब वायरिंग आप करते हो तो फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो क्या, अगर फ्लेक्सिबल नहीं हुआ, कब दीवार आ रही है, कब रोड आ रहा है, कब क्या आ रहा है, तो आपका वायर घूमेगा नहीं, बीच में से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि कॉपर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसीलिए सॉलिड कंडक्टर ना बनाकर क्या बनाए जाते हैं, स्ट्रैंडेड कंडक्टर बनाए जाते हैं। इससे क्या मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, इसका मतलब क्या है, लेस फ्लेक्सिबिलिटी, क्लियरिटी है क्या, यस सर। नेक्स्ट, What is the name of soldering method? इस soldering method का क्या नाम है? इसको थोड़ा मैं zoom कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो इस soldering method का क्या नाम है? जल्दी से बताएंगे फटाफट। इस soldering method का क्या नाम है? गाइस जल्दी से बताओ फटाफट। इस soldering method का क्या नाम है?
इस सोल्डरिंग मेथड का क्या नाम है, इसको डिप सोल्डरिंग बोलते हैं, सोल्डरिंग विद ग्लो लैंप बोलते हैं, सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन बोलते हैं, या टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग बोलते हैं। जल्दी बताओ इसका नाम क्या है, इस तरीके की सोल्डरिंग को क्या बोलते हैं, इस तरीके की सोल्डरिंग को क्या बोलते हैं, आग लगा देना सेशन में बोल रहा हूं मैं, समझे? यस सर। जल्दी बोलो इस तरीके की सोल्डरिंग को क्या बोलते हैं, इस तरीके की सोल्डरिंग को क्या बोला जाता है, जल्दी बोलेंगे फटाफट, इस तरीके की सोल्डरिंग को क्या बोलते हैं भाई, इस तरीके की सोल्डरिंग को बोला जाता है टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग। क्या बोला जाता है? टेम्परेचर कंट्रोल। ये एकदम हाथ में पकड़ने में गन जैसी दिखती है, तो इसका मतलब गन सोल्डरिंग नहीं बोलना है, इसका मतलब गन सोल्डरिंग नहीं बोलना है, क्या बोलना है? टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग। जो हाथ में पकड़ने में एकदम गन जैसी दिखती है वो टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग है, याद रखना। यस सर, यस सर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉज, क्या कॉज है बेटा फॉर कोल्ड शोल्डर डिफेक्ट इन सोल्डरिंग, क्या मतलब हुआ? सोल्डरिंग में ठंडे शोल्डर दोष का कारण क्या होता है, ठंडे शोल्डर दोष का कारण समझ में आ गया होगा ना? कोल्ड शोल्डर डिफेक्ट मतलब आपका शोल्डर गर्म नहीं हो रहा, कोल्ड शोल्डर डिफेक्ट किसकी कारण से होता है? ठीक है, गलत पढ़ लिया रॉबिन्सन तूने, ठीक है। चलिए, इसको एक्सेसिव शोल्डरिंग बोलते हैं, इसको इनसफिशियंट हीटिंग की वजह से ऐसा होता है, इनकरेक्ट यूज ऑफ शोल्डर की वजह से होता है, या हाई वोल्टेज शोल्डरिंग आयरन की वजह से होता है। किसकी वजह से ये दिक्कत आ सकती है कि आपका जो शोल्डर है वो ठंडा है, वो गर्म नहीं हुआ, गर्म होना जरूरी तभी पिघलेगा, तो गर्म होना जरूरी तभी पिघलेगा, तो भाई गर्म नहीं हुआ किसकी वजह से, ये गर्म तभी नहीं हो पाएगा। दुनिया में कोई चीज ठंडी तभी है जब गर्मी नहीं है, अदरवाइज क्या पड़ा है? ठंडा पड़ा, ठंडी पड़ी हुई है, यही बोलते ना, गर्मी नहीं है तो क्या बोलते हैं, जीवन में ठंडा पड़ा हुआ है ना, तो ठंडा पड़ा मतलब इनसफिशियंट हीटिंग, क्लियर? इसको आप क्या बोलते हैं? इनसफिशियंट हीटिंग बोलते हैं। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट, What happened to the voltmeter if it is connected at the ammeter? अरे ले 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 मेरे लल्ला, क्या क्वेश्चन आया रे, मूली क्वेश्चन आया, देख कैसे बोलता है, क्या होगा अगर एक मैं वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दूं एज अ एमिटर, जल्दी बोल, व्हाट हैपेंड टू द वोल्टमीटर इफ इट इज कनेक्टेड एज अ एमिटर, मतलब कुल मिलाकर एमिटर को कायम कनेक्ट करते हैं, एमिटर को सीरीज में लगाते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाते हैं, एमिटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, अब तुमने वोल्टमीटर को लगा दिया कहां पे, एमिटर की जगह पे, मतलब सीरीज में, और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब उसमें कोई करंट फ्लो होने नहीं देगा, कोई करंट फ्लो होने नहीं देगा, इसका मतलब क्या है, नो डिफ्लेक्शन देने का इधर है, समझे क्या? कोई बोल रहा है लो रीडिंग, कोई बोल रहा है नो डिफ्लेक्शन, क्या होना चाहिए? अब ज्यादा बेहतर कौन सा है? अगर तेरा वोल्टमीटर आइडियल है तो नो डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन अगर तेरा वोल्टमीटर प्रैक्टिकल है तो हल्का फुल्का तो करंट फ्लो हो जाएगा, और हल्का फुल्का करंट फ्लो हो जाएगा तो कम से कम थोड़ी सी तो रीडिंग आई जाएगी, हल्की सी, एकदम मामूली मामूली सी, कैसी आ जाएगी? मामूली सी। सभी बच्चे एक बार लाइक मारेंगे इस सेशन को, 99 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग नाउ, लाइक दिस सेशन तो 99, फटाफट और शट अप मारो, जल्दी फटाफट फास्ट जल्दी, अरे लगा दिया, लो लगा दिया ना, रोना मत, बिल्कुल रोना मत, जल्दी से लाइक मारो सेशन को फटाफट फास्ट, ईच एंड एवरीवन, एक एक मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर यहीं से निकलेगा, इलेक्ट्रीशियन में, याद रखना है ना, बस दिल से पढ़ाई करते रहो, 10 दिन एकदम आग लगा दो, डीआरडीओ के अंदर भी यहीं से निकालेंगे रिजल्ट, ठीक है, फटाफट सेशन को लाइक मारो जल्दी। आप कुछ बोल रहे हो, भूल रहे हो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या लिखा है? वोल्टमीटर क्या होता है यदि वोल्टमीटर को एमिटर की तरह जोड़ा जाए तो वोल्टमीटर को एमिटर की तरह जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट, आइडियल का, तो उसको जोड़ दोगे, उसको अगर जोड़ दोगे तुम तो क्या मीटर जल जाएगा, काय को जल जाएगा, ओवरशूट डिफ्लेक्शन काय को हो जाएगा, तो लो रीडिंग हो गया, नो डिफ्लेक्शन, लो रीडिंग आ जाएगी, सिंपल तो बोला, इसमें गलत क्या बोल दिया, इसमें क्या गलत बोल दिया भैया मैंने, है क्या गलत बोल दिया इसमें, सही तो बोला इसमें, चलो। What is the example for coarse excess current protection? Coarse excess मतलब होता है अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा, मतलब ज्यादा करंट से प्रोटेक्शन के लिए, ज्यादा करंट से प्रोटेक्शन के लिए। सर मैंने आपसे टेलीग्राम पर एक क्वेश्चन पूछा था सर, आपने रिप्लाई नहीं किया, प्लीज सर रिप्लाई। विक्रम भाई देखो ऐसा बेटा, दिन भर में 9 से 12 क्लासेस होती है, तो पर्टिकुलर और कम से कम 1000 से 1500 के आसपास बच्चे टेलीग्राम पे कमेंट करते हैं, तो सबका रिप्लाई टाइम से दे पाना पॉसिबल नहीं होता, एक का देते जाता हूं, जब तक पता चलता 100 आ जाते हैं तो 100 ऊपर हो जाते हैं, तेरी वाली चैट नीचे पहुंच जाती है ना, तो अगर दिख जाएगा तो डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, और नहीं तो फिर थोड़ा सा वेट करना, पर्सनली मैसेज भेजना, फिर दिखेगा तो रात में सोते टाइम फिर रिप्लाई करूंगा, ठीक है, बट कर दूंगा, चिंता मत कर।
What which is the example of coarse access current protection? एक coarse access current protection का example क्या है? MCB यानी कि miniature circuit breaker मतलब high current के लिए पूछ रहा है और अगर high current के लिए पूछ रहा है तो बेटा HRC fuse सबसे best है. HRC का full form भी paper में पूछता है. क्या होता है? High rupturing. High rupturing capacity fuse. High rupturing capacity fuse. High rupturing capacity fuse. ठीक है? Yes sir. चलिए next question. कौन से conductor है जिनको distribution line में use करते हैं? कौन से conductor है जिसको distribution line में use करते हैं? कौन से conductor को distribution line में use करते हैं? जल्दी बताओ. कभी revivable बोलते हो, कभी HRC. ऐसा बोले ही नहीं कभी मैंने revivable सबसे ज्यादा. भैया revivable केवल अपने घर तक ही सीमित है, बस उसके बाहर कहीं यूज नहीं होता. और आपको पता है अपने घर के अंदर लोड है कितना. ठीक है, तो रिवाइवेबल फ्यूज को कभी मैंने नहीं बोला हाई करंट रेटिंग के लिए. एचआरसी से ऊपर कुछ नहीं है. चलिए, विच कंडक्टर आई यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए कौन से कंडक्टर को प्रेफर करते हैं? सुनाली एक बार चेक करना, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए कौन से कंडक्टर को प्रेफर करते हैं? इंसुलेटेड कंडक्टर, इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर, बेयर कंडक्टर या टू कोर केबल? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा करते हैं जल्दी बोलो. डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा करते हैं जल्दी बोलो. डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कंडक्टर यूज करते हैं वो बेयर कंडक्टर्स होते हैं. कौन से होते हैं? बेयर कंडक्टर्स. क्यों? जरूरी नहीं है दो कोर की केबल हो, तीन कोर की भी केबल हो सकती है. इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर तो कभी जीवन में करना ही नहीं, वरना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी. इंसुलेटेड कंडक्टर भी डिस्ट्रीब्यूशन में जरूरी नहीं है. आप लोग देख लो आपके घर के बाहर जो लाइन है वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, उसमें कोई इंसुलेशन नहीं लगा, बट दे ऑल आर बेयर कंडक्टर. अब आधे बच्चे बोले थे बेयर का मतलब क्या होता है? बेयर का मतलब बताओ रे, जल्दी बोलो भैया. बेयर का मतलब क्या होता है? ये होता है, देख लो. बेयर कंडक्टर ये होता है भाई साहब. बेयर का मतलब ये लीजिए, ये होते हैं बेयर कंडक्टर. देख लो, बेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अबे बेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेयर नहीं लिखा, खाने वाला गधा. वो बेयर बोला, बेयर. बेयर कंडक्टर ये होते हैं, बेयर कंडक्टर. दिख रहा है ये है? हाँ, बेयर को हिंदी में बोलते हैं. देखो अंग्रेजी में सिखाएंगे मास्टर जी. अब बेयर मीनिंग इन हिंदी, बेयर मीनिंग इन हिंदी. बेयर को हिंदी में बोला जाता है, अबे ये कहां है? बेयर को हिंदी में बोला जाता है, कहां लिखा है? बेयर को लिखा रहता है खुले कंडक्टर. क्या होता है? खुले, जिनके ऊपर कुछ भी नहीं होता, खुले कंडक्टर, खाली, खुले. ये होता है बेयर का मतलब. डिक्शनरी में सोल्जर ही खाली, बस खुश. चलो, मतलब जिनपे इंसुलेशन नहीं होता, तो हमें भी मालूम है कि उनके ऊपर इंसुलेशन नहीं होता है. चलो बहुत बढ़िया सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन थर्ड सेल ऑफ कॉपर एटम? थर्ड सेल नहीं होगा ये, थर्ड शेल होगा. थर्ड शेल, तो थर्ड शेल है ना, रहने दो सर, कुछ के कुछ ओपन हो जाएगा. हो जान दे, कुछ का कुछ ओपन हो जाएगा तो क्या हो गया? आपने जीवन भी तो ऐसे ही है ना, कुछ का कुछ ही तो ओपन होता है. नहीं, चल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड शेल ऑफ द कॉपर एटम? कॉपर एटम के थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सबसे पहले कॉपर एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो सर कॉपर एटम का एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर होता है 29. आपको कैसे याद है? पूरा याद है, 21 से चालू करो. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक 29वें नंबर पे होता है. ठीक है, अब ये हो गया. अब इसके अंदर इसका कॉन्फिगरेशन करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले 1s2, देन उसके बाद कितना आता है 2s2, देन उसके बाद कितना आता है 2p6, देन कितना आता है 3s2, देन कितना आता है 3p6. कितने हो गए? 2, 2, 4, 6, 10 और 8, 18. कितने बचे? 18 के बाद 11 और बचे, तो 11 और बचे तो कितना आता है 4s2, और 4s2 के बाद कितना आता है 3d, है ना? कितने हो गए? 6, 2, 2, 10, 10, 3d8. अब आता है थर्ड शेल. आपसे पूछा थर्ड शेल कौन सा होगा, तो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? गिन लो जरा एक बार, थर्ड शेल में देख लो आप लोग कितने इलेक्ट्रॉन है. सर मैं बस ये पूछ रहा था कि आरआरबी जेई के लिए आपका वो रिकॉर्डेड क्लास है, उससे मेरा पूरा टेक्निकल कवर हो जाएगा या फिर कुछ और अलग से करना पड़ेगा? आर कुमार, विक्रम कुमार जी, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, अगर आपने वो पूरा कंप्लीट कर लिया तो दोबारा आप फिर से पूछोगे नहीं कि आरआरबी जेई के लिए कुछ और करना पड़ेगा क्या. मच 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 सफिशियंट फॉर योर आरआरबी बैच टेक्निकल के लिए, उसके बाहर बेटा कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है, अबे मैं खुद ही पढ़ के पेपर उसी से निकाला हूं, उसी बैच में से. नहीं समझ में आया तेरे को?
हैं। अबे मैं भी तो पेपर क्लियर किया हूं ना, हो जाएगा भाई उसी में, बाकी बच्चे उसी में से किए हैं, ठीक है। अपने पास आरआरबी 2019 की ऑल इंडिया रैंक 1 है ना, कोलकाता जोन में, वो भी उसी में से पढ़ के गया है। अपने पास रैंक 6 भी है, अपने पास अजमेर आरआरबी में 6 बच्चे आरआरबी में है, ठीक है, वो भी उसी से पढ़ के गए। मुंबई जोन में 2 बच्चे आरआरबी में, वो भी उसी से पढ़ के गए। भोपाल जोन में 1 है, वो भी उसी से पढ़ के गया। बिलासपुर जोन में 3 है, वो भी उसी से पढ़ के गए। हर जोन में तेरे को 2-2 3-3 4-4 बच्चे मिलेंगे, सब उसी से पढ़ के गए। समझ में आ गया? चल आ जा, तो मेरा ही बैच है यार, मेरे को मालूम बना रहे। चल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर, और उसको और रिफाइंड हो जाएगा आने वाले समय में, वो मेरा नेटवर्क मेजरमेंट भी आ जाएगा वहां पे, तो वो और रिफाइंड हो जाएगा, फिर तो खत्म हो गया, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो जाएगा वो भी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड शेल, तो बेटा थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जरा देख लो एक बार। थर्ड शेल मतलब क्या होता है, इन दोनों को गिन लो और इसको गिन लो, कितना हो गया थर्ड शेल, तो 6 और 2 8 और 8 और 8 कितना होता है 16। ये सही लिखा है गलत लिखा है? गलत लिखा है। जल्दी बोलो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अबे थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जल्दी बोलो, किस किस को गिनोगे? यहां पे एक गलती कर दी सर आपने, यहां पे 9 कितना पड़ेगा आपको, 9 29 है। अब देखो इन दोनों को गिन लो और इसको गिन लो, 9 और 9 2 11 12 13 14 15 16 17 हो जाएगा। 18 कहां से लेके आओगे, 18 कैसे होंगे बोलो? अबे शेल बताओ, शेल क्या होता है, 18 कैसे होंगे? छे और दो आठ और छे और दो आठ और 29 होता है एटॉमिक नंबर, तो 39 तो होगा, बोलो गुड। तो भैया यहां पे सुनो, बोलो कितना होगा, 3d10 होगा। हाँ सर आप ये गलती कर रहे हो सर कि आप यहाँ पर 9 डाल रहे हो, आपको यहाँ डालना कितना चाहिए, यहाँ पे 10 डालना चाहिए, और यहाँ कितना डालना चाहिए, यहाँ पे मात्र 8 डालना चाहिए, और यहाँ पे कितना डालना चाहिए, 10 डालना चाहिए। अब थर्ड शेल देखोगे सर तो 10 और 6 होते हैं कितने, 16, 16 और 2 18 होते हैं, इसीलिए सर सिखाया जाता है 1 8 18 1। ये कॉपर का होता है, इसका फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल में कितने होते हैं, 18 होते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया सर, सर ऐसे तो मेरे को सारे का याद करना पड़ेगा, क्या मेरे को केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी क्या? नहीं सर मेरे को केमिस्ट्री नहीं पढ़नी सर। अरे नहीं पढ़नी पड़ेगी ना बे, कॉपर का इसलिए पूछते हैं क्योंकि कॉपर एज अ कंडक्टर यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। चलो ये क्वेश्चन करो, विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल, दो कौड़ी का सवाल आया ये, दो कौड़ी का सवाल, धनिया सवाल है, धनिया सवाल आया। सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा है इनमें से, जल्दी बोल सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा, दो ही तो मटेरियल है सेमीकंडक्टर के, कौन कौन से दो मटेरियल है, एक सिलिकॉन है और एक जर्मेनियम है, दोनों में से ऑप्शन है क्या, है, तो ये क्या कहलाया, जर्मेनियम कहलाया, ये क्या कहलाया, जर्मेनियम। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूजिंग फॉर एसी सप्लाई, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज फॉर चेकिंग एसी सप्लाई, अगर किसी एसी सप्लाई को चेक करना हो तो उसके लिए नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज करते हैं, आज से समझ लेना। तो वो क्या इंडिकेट करता है, दोनों उसके इलेक्ट्रोड ग्लो करने लगते हैं, ओनली वन इलेक्ट्रोड ग्लो करता है, बोथ इलेक्ट्रोड विल फ्लिकर करने लगते हैं, या वन इलेक्ट्रोड विल ग्लो एंड अनदर विल फ्लिकर, जल्दी बोलो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बोलो इसका आंसर क्या होगा, एक एक बच्चा बताएगा इसका आंसर कितना होगा, जल्दी बोलो फटाफट। नियॉन के बारे में पूछा भाई, नियॉन के बारे में पूछा है, गलत मत कर देना, याद रखना इस क्वेश्चन को तुमने गलत किया, इस क्वेश्चन को तुमने गलत किया है ना, तो मैं श्राप दूंगा कि तुम्हारा आज पेट खराब हो जाएगा, गलत मत करना इस क्वेश्चन को। जल्दी देखो, बड़ा नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर है जो कि चेक करता है एसी सप्लाई को, तो वो कैसे बताता है ये एसी सप्लाई है या नहीं है, तो बेटा एसी सप्लाई है या नहीं है तो याद रखना, वो कैसे बताएगा वो एक एसी सप्लाई है या नहीं है, तो याद रखना अगर इसके दोनों इलेक्ट्रोड ग्लो करने लग जाएं तो समझ जाना, इसके दोनों इलेक्ट्रोड ग्लो अगर करने लग जाएं तो समझ जाना कि ये एसी सप्लाई है, अदरवाइज ये एसी सप्लाई नहीं है। नौ अपर्णा, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच की क्लासेस बेटा यहां नहीं होती, यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिकल की होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच की बेटा क्लास नहीं होती। चलिए सभी बच्चे एक बार सेशन को बेटा लाइक करेंगे तेजी से, एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे फटाफट जल्दी से, एक एक बच्चा सेशन को लाइक करेगा, ये आप क्लास देख रहे हो मेरी, एक एक बच्चा लाइक करेगा, लाइक रुक देनी चाहिए, और फिर आपको एक गुड न्यूज भी देनी है, जल्दी फटाफट लाइक मारो यार,
जल्दी फटाफट लाइक मारो, 106 बच्चे अभी क्लास देख रहे हो, 87 लाइक है, जल्दी से लाइक तेजी से बढ़ते जाना चाहिए। और सभी बच्चे यहाँ पे ऐसा रखकर कसम खाएंगे, 1 2 3 करके अभी हम सर आपकी 5 बजे वाली क्लास में भी रहेंगे गजब के क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम्ड बाय 500 वॉट लैंप फॉर 5 आवर्स। अगर 5 घंटे के लिए 500 वॉट के लैंप को एक बार चलाते हैं, 5 घंटे के लिए 500 वॉट के लैंप को अगर हम चलाते हैं तो कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होती है। बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर हम बात करें तो एक यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो होती है वो 1 किलोवाट आवर होती है। कितनी होती है मेरे लाल? 1 किलोवाट आवर। कितनी होती है? 1 किलोवाट आवर। अब यहाँ पे लिखा है 500 वॉट, तो 500 वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये तो हो गया किलोवाट में, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम लिखा है 5 घंटे, तो इसको मल्टीप्लाई भी करना है 5 घंटे से, तो 500 डिवाइड बाय 1/2 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 2.5 आवर निकल के आ जाएगा। कितने निकल के आ जाएगा? 2.5 आवर, मतलब 2.5 घंटे के आसपास। तो 2.5 आवर तो नहीं निकल के आएगा, 2.5 यूनिट जरूर निकल के आ जाएगी। और जब ये 2.5 यूनिट निकल के आ जाएगी तो बस फिर आपको कुछ करना नहीं है, 2.5 यूनिट जैसे निकल के आ जाएगी तो बस आपका काम हो जाएगा। क्या क्लैरिटी है आपको? यस सर, मुझे कुछ पल दे गुरभक्त के, फकीरम के ये चाहत के, रहे बेचैन दिल कब तक, मिले कुछ पल वो राहत के। बेटा ये क्या क्वेश्चन है? वैल्यू ऑफ हॉट रेजिस्टेंस फॉर द बल्ब निकालना था, जिसमें 100 वॉट का बल्ब था और 250 वोल्ट था, ठीक है। तो बेटा पावर होती है V² / R, R की वैल्यू निकालनी है, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V² / P, V मतलब 250 का स्क्वायर, यानी कि 250 का × 250 डिवाइडेड बाय पावर, पावर कितनी है? 100, तो 25×25 = 625, द करेक्ट आंसर इज 625, समझे क्या? यस सर। चलिए नेक्स्ट, व्हिच लॉ स्टेट्स दैट, चलो बड़ा करते हैं क्या, बड़ा करते, कुछ बच्चों को शायद नहीं दिख रहा होगा, आ जाओ बड़े हो जाओ, सीधे होना रे, टेढ़ा मत होना नहीं तो बहुत मारूंगा, शिकायत कर दूंगा तेरी मम्मी से, तेरी शिकायत कर दूंगा तेरी मम्मी से, तेरी टेढ़ा हुआ तो हाँ सीधा हो गया ना, देखा डरता है मम्मी से। विच लॉ स्टेट्स दैट, इनमें से कौन सा लॉ है जो स्टेट करता है क्लोज्ड सर्किट दैट अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, चलिए बताएं। जल्दी बताएंगे फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। तो बेटा यहां पे बताएंगे फटाफट, कौन सा लॉ बताता है क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट दैट अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। तो अगर बेटा जो भी वोल्टेज आपने अप्लाई किया है अगर वो सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप के बराबर हो जाए, अगर वो सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप के बराबर हो जाए तो ये बाय डिफॉल्ट किरचॉफ का क्या है? वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का क्या है? वोल्टेज लॉ। किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को क्या बोलते हैं? किरचॉफ का सेकंड लॉ। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? लॉ, ये डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। सिमिलरली अगर हम बात करें तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो है किरचॉफ का करंट लॉ, जो कि बेसिकली डिपेंड करता है क्या पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट ऑफ टू लैंप, दो लैंप है, एक 200 वॉट का 240 वोल्ट का है, कनेक्ट करते हैं उसको सीरीज में 240 वोल्ट सप्लाई से, हैं? इका लिखा रे 200 वॉट और 240 वोल्ट के दो लैंप है आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो कुल शक्ति ज्ञात कीजिए जल्दी। बेटा तेरा कमेंट पढ़ लिया मैंने, पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार शास्त्री, मैंने तेरा नाम, तेरे नाम क्यों लिखा तुमने पहले ये बता, तेरे को मोटिवेशन कहां से आएगा तूने ये नाम लिखा हुआ है? इसको हटा पहले, जो एक्चुअल नाम है वो लिख, फिर मैं तेरे को बताता हूं पूरा मोटिवेशन, ठीक है। जल्दी करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को फटाफट फास्ट, और बेटा जितने भी बच्चे हैं डीआरडीओ वाले और दूसरे वाले कौन से मध्य प्रदेश आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर वाले, आज सब्सक्रिप्शन ले लेना, अब दिन नहीं बचे हैं, आज आप लोग के लिए प्राइस 1000 से भी कम कर दी गई है, ओनली 929 के अंदर है, और उसके अंदर गजब की चीजें आपको आगे भी मिलने वाली है, तो आज कर ही लेना जितने भी बच्चे चाहते हैं, क्योंकि इससे कम बेटा प्राइस नहीं होगी, आप भी जानते हो। तो व्हाट इज द टोटल पावर ऑफ द सर्किट ऑफ टू लैंप रेटेड टू दिस 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 कनेक्टेड इनटू 40 वोल्ट सप्लाई, तो बेटा आपको मैं यही बोलूंगा दो है तो ठीक है, तो दो लैंप है, तो एक लैंप तो ये वाला हो गया और एक लैंप ये वाला हो गया, कितने प्यारे लैंप दिख रहे हैं दोनों के दोनों, नहीं दिखते हैं, देता कोई नहीं। चलो ये देखो ये दो लैंप दिख गए, हाँ ये दो लैंप कितने का बेटा? 200 वॉट का है
और कितने वोल्ट का है 240 वोल्ट का, और ये भी कितने वोल्ट का है 200 वोल्ट का है, और कितने वोल्ट का है 240 वोल्ट का है। सप्लाई भी कितने की लगा के रखी है 240 वोल्ट की, सप्लाई भी कितने की लगा के रखी है 240 वोल्ट की। तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी सर, टोटल पावर कितनी हो जाएगी, टोटल पावर का फॉर्मूला होता है बल्ब 1 इनटू बल्ब 2 की पावर अपॉन बल्ब 1 प्लस बल्ब 2 की पावर। लेकिन अगर मान लो इसको पैरेलल में लगाते तो क्या हो जाता, P1 प्लस P2 सीरीज में ये होता है। तो 200 इनटू 200 अपॉन 200 प्लस 200 मिलाकर करोगे तो 100 ही निकल के आएगा, 100% शत प्रतिशत 100 ही निकल के आएगा। यस वी डिड इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द, अबे ये आया है क्वेश्चन, टिंडा क्वेश्चन आया, टिंडा समझते हो ना बे, टिंडा क्वेश्चन है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर तीन रेजिस्टर्स को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा, तीन रेजिस्टर्स को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होगा। तो अगर आप तीन रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यानी कि 1 अपॉन Rn इनटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस करते 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 1 अपॉन Rn होता है। तो इसमें से कौन सा देख के लगता है, इसमें से कौन सा देख के लगता है, नहीं 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 अरे मेरे लाल, नहीं नहीं नहीं, ये लीजिए डी वाला ऑप्शन सही है, ये लीजिए डी वाला ऑप्शन सही। मजा आ गया सर, मजा तो आ गया। कैसा लगा दिल से बताओ आज के क्वेश्चन, तुमको कैसे लगे दिल से बताओ आज के क्वेश्चन। और एक-एक बच्चा सेशन को लाइक करेगा, अभी तक लाइक नहीं हुए, और यकीन मानो बेटा इसके बाद 5 बजे वाली क्लास में और गजब के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए सैटरडे संडे में इस लेवल के क्वेश्चन कदर डिजाइन किए कि आपको मजा आ जाएगा। जल्दी फटाफट इस सेशन को लाइक मारो, जल्दी जल्दी। ये सड़कों क्यों बोला रे रोहित, तूने टीक थे थोड़ा अच्छे से नहीं लिखते बनता, ठीक थे। कोई और पूछता कैसा लग रहा है बताओ, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, तो कितना अच्छे से बताता हूँ। तू चार स्माइली लगा के मेरे वाले में, तू ऐसा क्यों लिखा ठीक थे है, वो ठीक भी सही से नहीं लिखा, तूने THI के लिख दिया था, ठीक थे क्यों लिखा तूने। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन चलते हैं। ये वाला लीव करो। व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज इट्स डायमीटर इज डबल्ड। व्हाट इज द चेंज इन, जल्दी करना इस क्वेश्चन को एकदम तेज स्पीड में। व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज इट्स डायमीटर इज डबल्ड। अगर एक कंडक्टर के डायमीटर को डबल कर दूंगा तो उसके रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आएंगे, उसके रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रो एल बाय ए, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए। ए क्या होता है, ए होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। और रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस होता है डी बाय टू, मतलब पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। अब सुनो चाचा, अगर तुमने डायमीटर को डबल मारा, डायमीटर को अगर तुमने डबल मारा तो एरिया चार गुना हुआ, एरिया चार गुना हुआ तो रेजिस्टेंस चार गुना कम हो जाएगा। अरे आंसर नियर है रे के, टिक डिक्रीजेस टू द फोर टाइम्स, डिक्रीजेस टू द को फोर टाइम्स। नेक्स्ट ये क्या है रे, ये पता नहीं क्या लेके आया सर, कहां से लेके आया रे क्वेश्चन, आ जाता भैया पेपर। व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर्स को बड़ा कर दो, हां सीधे रहना मम्मी से याद करो, मनीष तेरी सीधे रहे। हां चलो इस रजिस्टेंस का क्या नाम है जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी इस रेजिस्टेंस का नाम बताओ। ये कौन सा रेजिस्टर है, ये ऐसा टंकी जैसा मेटल फिल्म वायर वाउंड कार्बन फिल्म कार्बन कंपोजिशन, क्या मस्त नाम है ना रे, है ना। आप तुम बोलोगे सर पेपर में आएगा तो बहुत क्लियर डायग्राम बना हुआ आएगा, बेटा मैं वादा करता हूँ अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ना तो इससे भी घटिया डायग्राम बना हुआ आएगा, और तुम ऑब्जेक्शन भी नहीं कर पाओगे कि ये क्वेश्चन गलत है। वो बोलेंगे हमें तो सही दिख रहा है, जैसे मैं बोलता हूँ मुझे तो सही दिख रहा है, जैसे वो भी बोल देते हैं मुझे भी सही दिख रहा है। जल्दी बताओ ये कौन सा सही है, है ना, कौन सा सही है। इसको बोलते हैं बेटा वायर वाउंड, क्या बोलते हैं इसको, वायर वाउंड रजिस्टर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं इसको, वायर वाउंड रजिस्टर। ठीक है, इसको वायर वाउंड रजिस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे लीव करो इसको, ये तो अधूरा है। Which material is having negative temperature coefficient property? इनमें से कौन सा material ऐसा है? सर यदि आज ITI TO का batch लेते हैं तो trade theory cover हो जाएगा? Yes नीतू जी आज हो जाएगा, लेकिन कृपया करके आज नहीं लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि कल ले लेंगे तो बेटा आज already 5 तारीख हो चुकी है, कल 6 तारीख आपका पेपर, 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन रेगुलरली पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा, मतलब और लेट मत करो। ऑलरेडी बैच 929 का हो गया है मोहित के लगाने के बाद, मतलब अब तो मत करो, अब तो लेट मत करो। देखो मैं तो बोलने ही बंद कर दूंगा दो एक दिन बाद, क्योंकि फिर बोलने का कोई मतलब ही नहीं।
Which material is having negative temperature coefficient property? इनमें से कौन सा material ऐसा है जिसका negative temperature coefficient property होती है? और दूसरी बात देखो बेटा, जितना अपन late लेंगे उतना अपने को ज़्यादा घंटे बैठ के पढ़ना पड़ेगा, तो ये भी ध्यान रखना। जिन बच्चों ने 15 दिन पहले लिया है तो उनका आधे से ज्यादा हो चुका होगा, है ना, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए तो बेटा कौन सा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है? टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस का कम होना, इसको बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये कहां पाया जाता है? ये मोस्टली सेमीकंडक्टर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? सेमीकंडक्टर में। माइका क्या है? इंसुलेशन। माइका क्या है? इंसुलेशन। ये इंसुलेशन है। यूरेका कॉपर तो होगा नहीं, कॉपर क्या है? कुछ भी नहीं होगा। मैग्नीन क्या होता है? मैग्नीन, मैग्नीन मतलब होता है 86% कॉपर प्लस 12% मैग्नीज और 2% निकल। तो बेटा याद रखना, इसके अंदर कॉपर का ही एलॉय है तो मैग्नीन भी आंसर नहीं हो सकता, ये दोनों तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। अब यूरेका और माइका बच गया, तो यूरेका और माइका में क्या लगा दो जल्दी बोलो फटाफट। गुड, तो सभी बच्चे लगा ही रहे होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या लगाओगे? ये लगाओगे। क्यों? क्योंकि यूरेका इज नथिंग बट यूरेका भी क्या है भाई, वही है कॉपर का एलॉय है। इसके अंदर भी कॉपर भरा, 60% कॉपर भरा हुआ है, 55% के आसपास, 55% के आसपास कॉपर इसमें भी रहता है और निकल रहता है। तो यूरेका भी नहीं लगा सकते, ये भी लगा सकते, ये भी लगा सकते, माइका इज द करेक्ट आंसर। समझे? चलो, व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ? ओम्स के नियम में कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी रिलेटेड है? करंट, रेजिस्टेंस, पावर, करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टिविटी, करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, ये दो कौड़ी का सवाल है, है ना? इसको जरा सोचो, दो मैग्नीन का भी जीरो ही होता है स्वाति, मैग्नीन का भी जीरो होता है। मजा आ गया स्वाति एकदम, आपने बोला ना कि जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट था यूरेका, मजा आ गया मेरे भाई का। ऐसा ऐसा सीख गए तुम लोग बोलना, जीरो होता है ना। चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है, नहीं देंगे इसका आंसर। अच्छा चलो, व्हाट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी रिलेटेड इन ओम्स लॉ? तो बेटा ओम्स अंकल जी ने बोला ही इक्वल टू आईआर था, आपको सबको याद होगा। तो इसमें तीन ही चीज दिख रही है मुझे, कौन कौन सी दिख रही है? वोल्टेज दिख रहा है, करंट आया, वोल्टेज से करंट आया और बीच में आर का बंदर आ गया, तो करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस। द करेक्ट आंसर इज करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस। सभी बच्चे बेटा एक बार सेशन को लाइक करेंगे तेजी से, 110 क्रॉस करेंगे। और इसके बाद में एक बात बता देता हूं, आप सभी बच्चे अभी अवेलेबल रहने वाले हो कहां पे? इसके बाद वाले सेशन में। बेटा इसका जो बाद वाला सेशन है वो इससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल सेशन रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूं कौन सी क्लास है वो। तो कौन सी क्लास में आप अवेलेबल होंगे? ये वाली क्लास में आप अवेलेबल होंगे। मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर वाले बच्चे, वेस्ट बंगाल पीएससी वाले बच्चे, महाजनको वाले बच्चे, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर वाले बच्चे या डीआरडीओ वाले बच्चे, सारे बच्चे इस क्लास में भी अवेलेबल होंगे। ये फोटो देखना है यहाँ पे, ये क्लास अभी चालू होने वाली है मुश्किल से 12 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है? चलो, और जैसे घुसोगे सेशन के अंदर लाइक करते हुए घुसना। दूसरी बात, जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि बेटा सब्सक्रिप्शन बहुत इजी हो, बहुत सबसे सस्ती कॉस्ट में हो गया डीआरडीओ और आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का, तो आज ले लेना। दूसरी बात, यहां पर मैं आप लोगों को अपना टेलीग्राम चैनल देता हूं ताकि आप यहां पर एक ब्यूटीफुल फैमिली से, इंडिया की बेस्ट इलेक्ट्रिकल जेई फैमिली के साथ आप लोग जुड़ जाएंगे और आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सारे एग्जाम्स के लिए मोहित सर मचाते रहेंगे, ये मैं आपको अभी वादा कर देता हूं, ठीक है? आरआरबी आ गया तो बाजे ही बजा दूंगा बेटा, ध्यान रखना। अगर आरआरबी आ गया ना तो बाजे ही बजा दूंगा मैं, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोहित कसन्या सर टेस्ट बुक, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल है, इसको फटाफट जल्दी से ज्वाइन कर लेना, फटाफट जल्दी से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ मिलती रहे और सारी क्लासेस के बारे में पता चलता रहे। एडमिट कार्ड अभी नहीं आया भैया रास्ते में, क्यों? एडमिट कार्ड आ गया क्या? नहीं आया अभी, कहाँ आएगी? चाय पी रहा है, चाय पी रहे, कहाँ गया? अमित अर्जुन भाई चाय पी रहा है, एडमिट कार्ड चाय पी रहा है, दो एक दिन में आएगा मेरे को लगता है ना, अभी आया नहीं रास्ते में, चाय पी रहा है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, फटाफट इसको जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्लियर है? इसको फटाफट क्या करना, जल्दी से ज्वाइन कर लेना इस नेम को सर्च कर। दूसरा बेटा सेशन को लाइक जरूर करते हुए जाना और इस सेशन में भी वापस से मिलो, 5 मिनट का रेस्ट लो, 5 बजे फिर मिलते हैं, ठीक है? चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच।